बीजेपी के बंगाल बंद को लेकर ममता बनर्जी ने कहा, मोदी बाबू आप बंगाल में आग लगवा रहे हैं, बंगाल में आग लगी तो असम में भी लगेगी, नॉर्थ ईस्ट में भी लगेगी। बंगाल बंद को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा बंद बुलाकर आंदोलन पर पानी डालने का काम कर रही बीजेपी, बंगाल को बदनाम करने की साजिश। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, लिखा ममता का बयान हिंसा भड़काने वाला, देश विरोधी बयान पर हो कार्रवाई, बंगाल के लोगों के हित में ले फैसला। ममता बनर्जी के असम को जलाने वाले बयान पर हेमंत बिस्व शर्मा का पलटवार, कहा राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी विभाजनकारी भाषा शोभा नहीं देती। कोलकाता कांड पर राष्ट्रपति मुर्मू का बड़ा बयान, कहा बस अब बहुत हुआ, पीटीआई को दिए इंटरव्यू में बोली मैं बहुत निराश और भयभीत हूं। पश्चिम बंगाल के सियालदाह में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई आगजनी, सड़क पर टायर में लगाई आग, प्रदर्शन के दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। हावड़ा में बीजेपी समर्थकों का हल्ला बोल, सुपरमार्केट को जबरन कराया बंद, महिला बीजेपी समर्थक ने टीएमसी कार्यकर्ताओं को दिखाई चूड़ी, पुलिस ने 15 बीजेपी समर्थकों को हिरासत में लिया। बंगाल बंद में शामिल हुई रूपा गांगुली को पुलिस ने लिया हिरासत में, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बंद के दौरान बैरकपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई जबरदस्त झड़प, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के घर के बाहर जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने आज भी किया प्रदर्शन, दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग की। एएसआई अनूप दत्ता का हो रहा पॉलीग्राफ टेस्ट, कल सीबीआई को कोर्ट से मिली थी इजाजत, दिल्ली से आई विशेष टीम सीएफएसएल कर रही है टेस्ट। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष पर आईएमए की बड़ी कार्रवाई, रद्द की गई सदस्यता, डिसिप्लिनरी कमेटी ने यह कार्रवाई की। गुजरात के वलसाड में 2 साल की बच्ची से रेप, बच्ची के पिता के दोस्त पर आरोप, नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की, 2 समुदायों का मामला होने से तनाव। मुंबई के पास विरार में निजी कोचिंग चलाने वाले टीचर की अभिभावकों ने निकाली परेड, टीचर पर कोचिंग से पढ़ने वाली छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में उद्धव ठाकरे और राणे के समर्थक भिड़े, राजकोट किले पहुंचे आदित्य ठाकरे को राणे समर्थकों ने रोका। सिंधुदुर्ग में प्रदर्शन के दौरान भड़के नारायण राणे, एबीपी माझा के रिपोर्टर अमोल मोरे पर चीखे और माइक छीनने की कोशिश की। 1 सितंबर को मुंबई में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे एमबीए के नेता, आज एमबीए की बैठक में लिया गया फैसला। उद्धव ठाकरे का आरोप, सिंधुदुर्ग में शिवाजी का स्मारक बनाने में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ, इसे फिर से बनाने के काम पर फिर करोड़ों का भ्रष्टाचार होगा। शरद पवार ने कहा, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती, महाराष्ट्र में कहीं भी मूर्ति लगानी है तो लेनी होती है राज्य सरकार की इजाजत। विपक्ष के आरोपों पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा किसी को इस घटना पर नहीं करनी चाहिए राजनीति, इसकी सही तरीके से जांच की जाएगी। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे का बदलापुर दौरा, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निष्पक्ष रहने को कहा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट ने 12 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मंजूरी दी। कैबिनेट में रेलवे के 3 इंफ्रा प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, झारखंड पश्चिम बंगाल ओडिशा को मिलेगा फायदा। डिजिटल मीडिया नीति पर योगी कैबिनेट ने लगाई मुहर, सोशल मीडिया पर राष्ट्र विरोधी पोस्ट डालने पर उम्र कैद तक की सजा। अलीगढ़ में सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, कहा समाजवादी पार्टी ने यूपी का दंगा प्रदेश बना दिया था, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में अब बच्चे हाजिरी के वक्त यस सर की जगह बोलेंगे जय हिंद, रतलाम के प्रभारी मंत्री कुंवर विजय शाह का फरमान। यूपी के प्रयागराज में तालीम के लिए बिना मदरसे में छप रहे थे नकली नोट, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार।
राजस्थान के भीलवाड़ा में 25 अगस्त को धार्मिक तनाव फैलाने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बबलू शाह पुत्र निसार अहमद गिरफ्तार, चार अन्य को हिरासत में लिया। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक से दहशत में 35 गांव, अब तक 9 की मौत। वन विभाग की 20 टीमें सर्च में जुटी। जम्मू कश्मीर में नहीं थम रहा बीजेपी का टिकट बंटवारे को लेकर विवाद। आज भी जम्मू की छंब सीट के लोगों ने जम्मू में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं लड़ेंगे हरियाणा में विधानसभा चुनाव। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने सांसदों को नहीं दिया चुनाव लड़ने की इजाजत।